दोस्तों आप सभी को नमस्कार। जैसा आपको पता है कि योगी सरकार ने अभी एक दो दिन पहले एक पेपर में नोटिस या विज्ञापन जारी करके ये बताया था कि बहुत ही जल्दी राजस्व लेखपाल के 5500 पदों को भरा जाएगा और इनकी संख्या बढ़कर 7000 तक की जा सकती है। तो आज मैं आपको राजस्व लेखपाल में उसके वर्क प्रोफाइल यानी उनका काम क्या होता है, किस प्रकार से वो पैसा कमाते हैं, उनकी सैलरी में HRA TA DA कितना होता है, शहरी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस प्रकार से राजस्व लेखपाल को सैलरी मिलती है और उनका प्रमोशन यानी कि किस प्रकार से वो अपने पद को बढ़ा पाएंगे कितने समय में, इस बात का इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आगामी समय में जितने भी लोग राजस्व लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये ड्रीम पोस्ट होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अनुराग दीक्षित और आप सभी लोगों को इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्व लेखपाल भर्ती की बात करते हैं। कुछ दिन पहले विज्ञापन में भी इनकी पद संख्या को 5500 बताया गया था और उसमें यह भी लिखा था कि इनकी संख्या को बढ़ाकर 7000 तक किया जा सकता है, यानी कि राजस्व लेखपाल की यूपी में एक अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, आयोग के माध्यम से इस वैकेंसी को भरा जाएगा। अब मैं अगर बात कर लेता हूं कि राजस्व लेखपाल के लिए क्या सैलरी, क्या HRA TA DA होता, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्व लेखपाल ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है जिसका जो ग्रेड पे होता है वो 2000 होता है। इसमें आपका जो बेसिक पे होता है वो 21,700 रुपए होता है। महंगाई भत्ता इस बार अच्छा बढ़ चुका है, पहले ये 17% हुआ करता था कोरोना से पहले तक, इसको बढ़ाकर अब 31% कर दिया गया है। तो ये जो महंगाई भत्ता लगता है ये 6,727 रुपए मिलता है। ये शहरी ग्रामीण क्षेत्र या फिर बड़े शहरों में काम करने वाले, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले राजस्व लेखपाल को प्राप्त होता है। वहीं बात कर लेता हूं HRA की, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो 800 होता है, शहरी क्षेत्रों के लिए 1600 हो जाता है और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए 2400 होता है। जैसे आप नोएडा, लखनऊ, कानपुर, इन सब शहरों में आप अगर राजस्व लेखपाल के चयनित होते हैं तो आपको इसका जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो 2400 रुपये प्राप्त होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसके बाद जो NPS होता है उसकी कटौती होती है। तो NPS आपके बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस का मतलब महंगाई भत्ते को, इसके टोटल के 10% के बराबर होता है, जो लगभग 2842 रुपये 70 पैसे के आसपास पहुंचता है। तो ये आपकी सैलरी में NPS की कटौती होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं राजस्व लेखपाल के कार्य क्या क्या होते हैं, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए आने वाले समय में ज़रूरत है। राजस्व लेखपाल की पोस्टिंग उनके गृह जनपद में हो सकती है लेकिन गृह ब्लॉक नहीं मिलेगा। जैसे चकबंदी लेखपाल की पोस्टिंग कभी भी गृह जनपद में नहीं होती है, कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन राजस्व लेखपाल की पोस्टिंग उनके गृह जनपद में होती है। आप मान लीजिए कानपुर देहात के रहने वाले हैं तो हो सकता है राजस्व लेखपाल में आपको कानपुर देहात मिल जाए, लेकिन आप जिस ब्लॉक से संबंधित हैं वो ब्लॉक आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, राजस्व लेखपाल प्रशासनिक कार्य करते हैं, जैसे सभी सरकारी योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाने का काम इनका ही होता है। अब मान लीजिए कोई जनमानस के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना आई, उस योजना के विषय में प्रत्येक ग्रामीण को जानकारी देना ही काम होता है इनका। साथ ही साथ अगर बात करें तो चक्रोड, खलिहान, नवीन परती और ऊसर, इन सभी पर हुए अवैध कब्जों से मुक्त कराने का काम भी इनका ही होता है। मतलब ऊसर, खलिहान या कोई भी रोड है, अगर वो किसी भी माफिया या भूमाफिया के द्वारा क्या कर ली जाती है, इनक्रोच कर ली जाती है, उस पर अवैध कब्जे कर लिए जाते हैं, तो उन अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए ऊपर सरकार को जो लेटर या जो एप्लीकेशन देते हैं वो कौन देते हैं, राजस्व लेखपाल ही देते हैं। ये उनका काम होता है मुक्त कराने का और ये एक अच्छा काम है। ठीक है, आगे की बात करें राजस्व लेखपालों के काम की, तो अग्निकांड या दैवीय आपदा में नुकसान की गणना और नुकसान की भरपाई कितनी की जाए इनके द्वारा अनुमोदित होता है। मान लीजिए आप खेत में फसल खड़ी है, किसी किसान ने उसका बीमा करा रखा है, ओले पड़ गए, फसल नष्ट हो गई, अब उस फसल के लिए उस व्यक्ति को कितनी भरपाई की जाएगी ये कौन अनुमोदित करेगा, राजस्व लेखपाल करेगा। कितने की फसल थी इसकी गणना कौन करेगा, राजस्व लेखपाल करेगा। मान लीजिए आपके पास शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें हैं, भूकंप आ गया, सड़क टूट गई या ट्यूबवेल लगे हुए थे उसकी चोरी हो गई, तो इनकी गणना और उसकी भरपाई के लिए जो एप्लीकेशन सरकार में अपर पदों तक पहुंचाने का काम होता है, उसकी गणना का काम होता है, वो राजस्व लेखपाल के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाना, खसरा खतौनी भी इन्हीं के कार्य क्षेत्र में आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने बहुत देखा होगा कि जमीन के विवाद बहुत होते हैं कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, तो उसमें कचहरी से क्या किया जाता है, खसरा और खतौनी निकलाए जाते हैं।
तो खसरा और खतौनी बनाने का जो कार्य होता है वो भी राजस्व लेखपाल का ही होता है, साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए या आय प्रमाण पत्र के लिए बनवाने का काम इनका होता है, और इसमें ये खूब ऊपरी कमाई भी होती है, मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। चुनाव के समय जो BLO होता है उसको सुपरवाइज करने का काम भी इनका होता है, राजस्व लेखपाल का। साथ ही जो कोटे में राशन बंटवाते हैं, जैसे जो कंट्रोल होते हैं जिन्हें कोटा कहते हैं, जहाँ पर बिलो पावर्टी लाइन से जो नीचे व्यक्ति होते हैं उनको चावल, गेहूँ, दालें या फिर तेल वगैरह जो मिलते हैं, चीनी जो मिलती है, उनको राशन बंटवाने का जो काम होता है वो भी राजस्व लेखपाल का ही होता है। एक और मजे की बात, 3 से 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशु की गणना होती है कि किस किसान के पास या किस व्यक्ति के पास कितने पशु हैं, ये गणना का कार्य भी 3 से 5 वर्षों में एक बार राजस्व लेखपाल के ही जिम्मेदारी में होता है, और 5 वर्षों में कृषि की गणना करने का भी काम इन्हीं के पास होता है, वो 5 वर्षों में होगी। तो डायरेक्ट इससे प्रश्न भी पूछा जाता है कि राजस्व लेखपाल कृषि गणना कितने वर्षों में करा सकता है एक बार, तो बोलोगे 5 वर्षों में, प्रश्न भी बनता है। पशु गणना 3 से 5 वर्षों में एक बार, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब लेखपाल की ऊपरी कमाई कैसे होती मैं आपको बताता हूं। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बनाने की जो ऑफिशियल शुल्क होता है वो 15 रुपए होता है, सिर्फ 15 रुपए, ठीक। अब अगर थोड़ा बहुत बढ़ गया हो तो अलग बात है, लेकिन इसके लिए, इसको बनाने के लिए, इस कागज को, इनको गवर्नमेंट की तरफ से 5 रुपए तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके लिए भी ये 150, 200 या 300 जैसा जैसे जो व्यक्ति आ जाता है, फंस जाता है, उसके ऊपर ये चार्ज कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बताएं, पशु गणना और कृषि गणना करने में इनको अधिकतम 10,000 रुपए और मिनिमम 2,000 रुपए ये कार्य के लिए मिलता ही मिलता है। अब जैसे यहां पर अगर बात करें खसरा और खतौनी की, देखिए खसरा बनाने का चार्ज राजस्व विभाग तय नहीं करता है, ये जो राजस्व लेखपाल होते हैं ये खुद तय करते हैं, कैसे, कि भूमि की पैमाइश कितनी है। मान लीजिए अगर भूमि छोटी है तो उसके लिए खसरा बनाने के लिए कम पैसा लेते हैं, बड़ी भूमि के लिए खसरा या खतौनी बनाने के लिए जो कोई राजस्व विभाग तो तय किया नहीं है तो उसके लिए पैसा चार्ज लेते हैं। तो ये बात है कि इसका चार्ज ये मन मुताबिक भी लेते हैं, ये बात मैंने साफ साफ यहाँ पे लिखी है, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक, संकोच की इसमें कोई बात नहीं है। अब मैं आपको वेतन की बात बताता हूं, जो इनका ग्रॉस वेतन, वेतन जो बनता है वो क्या बनता है, कि अगर आप रूरल एरिया में पहली पोस्टिंग लेखपाल की लेते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है आपको, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र, तो उसमें आपकी पहली जो तनख्वाह होगी वो 26,484 रुपये होगी, जिसमें आपका 21,700 बेसिक पे होगा, 6,727 महंगाई भत्ता होगा, 800 रुपये का डियरनेस अलाउंस होगा, और ये 100 रुपये जानते हैं किसके लिए, ये वो होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग के लिए साइकिल का प्रावधान है HRA में, साइकिल के प्रबंधन के लिए, उसके इंश्योरेंस के लिए, उसके रख रखाव के लिए गवर्नमेंट आपको 100 रुपये प्रति महीने देती है। इसके बाद इसमें 2842 रुपये की NPS कटौती हो जाती है, तो ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है 26,484 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर आप अर्बन एरियाज में हैं, यानी कि शहरी क्षेत्र में है, मिडिल शहरी क्षेत्र में है, तो ये 800 रुपये आपका 1600 रुपये बन जाता है, और यहाँ पर जो आपका ट्रेवलिंग अलाउंस होता है वो 360 रुपये बन जाता है, तो कुल सैलरी बनती है 27,644 फर्स्ट सैलरी की बात कर रहा हूँ। और जो बड़े शहर है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, यहाँ पर आपको 2400 रुपये HRA मिलेगा और 360 रुपये ये TA मिलेगा ही मिलेगा, तो यहाँ पर सैलरी क्या बनती है मेरे प्यारे दोस्तों, 28,444 रुपये। अब अगर मैं इनके प्रमोशन की बात कर लेता हूं, तो मेरे प्यारे भाई इनका प्रमोशन कैसे होता है, कि जो व्यक्ति राजस्व लेखपाल में हुआ है वो 8 से 10 साल के बाद कानूनगो बनता है, उसके 8 से 10 साल बाद वो नायब तहसीलदार बनता है, फिर वो तहसीलदार बनता है, और लास्ट में SDM तक बनता है। और मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, अगर आप अर्ली एज में, मान लीजिए 22 से 25 साल की उम्र में अगर आप लेखपाल बनते हैं, तो भी आप मैक्सिमम, अगर आप कोई एग्जाम नहीं देते हैं, प्रमोशन के माध्यम से जाते हैं, तो भी आप मैक्सिमम तहसीलदार तक पहुंच सकते हैं, बाकी नहीं तो नायब तहसीलदार तक में ही आदमी रिटायर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अब अगर इसके बीच में बात करते हैं कि मान लीजिए आप 30 या 35 साल की उम्र में लेखपाल बने, तो 20 साल तो यही हो जाते हैं, 55 तो आप ऐसे ही पहुंच जाते हो। तो अमूमन जो व्यक्ति लेखपाल बनता है, इसके लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष होती है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो जो लेखपाल बनता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम नायब तहसीलदार या फिर तहसीलदार की पोस्ट तक, पद तक ही पहुंच पाता है बाय प्रमोशन, ठीक है।
वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा, और अगली किन पोस्ट के लिए आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए ये बात भी कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं यूपी स्टेट एग्जाम में होने वाले जितने भी पद होते हैं उन सभी के लिए जितनी भी पोस्ट होती है ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों की फरमाइश पर, ताकि हर एक पोस्ट की एक निश्चित जानकारी आपको मिलती रहे। शेयर जरूर कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।